कर देंगे चारों। नमस्कार, हमारे चेस प्रेमी भाइयों बहनों को मेरा अगला वीडियो लेक्चर नंबर 1 करीबन 6000 दर्शकों ने देखा, करीबन 25 से 30 कंट्रीज में देखा, तो सभी दर्शकों का मैं आभारी हूँ। लेक्चर नंबर 1 के बाद लेक्चर नंबर 2 आज हम शुरू करेंगे, थोड़ा लेट करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसके लिए करीबन 200 से 250 ईमेल और फ़ोन आए लेक्चर नंबर 2 कब कर रहे हैं, तो आज हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 2। तो पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने जो थोड़ा बहुत रूल्स और मोहरे के बारे में बोला था वो फिर से थोड़ा रिपीट करेंगे। ये पॉन है, ये नाइट है, ये बिशप, ये रूक, ये क्वीन और किंग, उसकी वैल्यू, उसका नोटेशन, वो सभी में एक चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन का चार्ट है। ये सबसे पहले मैं पॉन के बारे में बताऊँ, तो जिसको हम सिपाही बोलते हैं, पॉन नोटेशन पी है, वैल्यू 1 है और उसकी मोबिलिटी 1 है। अगले वीडियो में मैंने सिर्फ नोटेशन तक दिखाया था, तो ये मोबिलिटी है। मोबिलिटी क्या होता है, तो हिंदी में हम इसको चलन शक्ति कहेंगे। तो चलन शक्ति क्या है मैं बता रहा हूँ। मैं ये पॉन फर्स्ट मूव में 2 चल सकता है, बाद में 1-1-1 चलेगा। तो इसकी सभी के एवरेज चलन शक्ति 1 है। अभी नेक्स्ट में बोलूँगा ये नाइट, तो नाइट की चलन शक्ति 5.25 है। मैं ये नाइट को यहाँ बीच में रखूँगा तो 8 जगह पे चल सकता है। 1-2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 -
उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे हम लास्ट में जाते हैं तो उसकी वैल्यू चलन शक्ति कम होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लास्ट फाइल में रखूँगा तो लास्ट फाइल में इसकी जो चलने की जगह है वो कम हो जाएगी। यहाँ एक दो ढाई एक, एक दो ढाई दो, एक दो ढाई तीन, यहाँ से एक दो ढाई चार, तो सिर्फ चार जगह पे ही नाइक चल सकता है। तो ये सभी जगह पे उसकी चलने की जो शक्ति है उसकी एवरेज निकालते हैं तो उसकी एवरेज है 5.25। तो नाइट के लिए हम इतना कह सकते हैं कि जितना वो सेंटर में होगा उतना ज़्यादा मजबूत रहेगा, जितना कॉर्नर पे रहेगा जिसकी लास्ट फाइल में रहेगा उतनी उसकी चलन शक्ति कम हो जाएगी। अभी नेक्स्ट आऊँगा मैं बिशप पर, तो बिशप की वैल्यू 3 है, एस वेल एस हमारे नाइट की भी वैल्यू 3 है। बिशप की चलन शक्ति ज़्यादा है, बिशप की चलन शक्ति 8.75 है। तो हम देख सकते हैं कि एंड गेम में बिशप हमें ज़्यादा काम आएगा। जिसकी चलन शक्ति ज़्यादा है वो मोरा या वो ऑफिसर हमारे लिए ज़्यादा काम का है।
और इसके बाद हम आएंगे रुख की ओर। तो रुख की भी वैल्यू 5 है और उसकी चलन शक्ति 14 है। तो रुख करीबन 7 मूव कर सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और इस तरफ भी 7 चल सकता है। तो वो कहीं भी है, एंड गेम में भी इतना काम कर सकता है जितना शुरुआत में, लेकिन शुरुआत में उसको स्पेस नहीं मिलती है। वो स्पेस के बारे में, मूव के बारे में हम धीरे धीरे अगले वीडियो में भी बात करेंगे। अभी लास्ट में है क्वीन और किंग। क्वीन की सबसे ज़्यादा चलन शक्ति है, क्वीन की चलन शक्ति है 22.75। तो क्योंकि अगर ये बीच में रहा या लास्ट में रहा, ये चारों ओर चल सकता है, रुक की ओर भी चल सकता है, बिशप की ओर भी चल सकता है, दोनों की स्टाइल में वो चल सकता है एज क्वीन विश। तो इसकी चलन शक्ति सबसे ज़्यादा है, इसलिए क्वीन सबसे पावरफुल मोरा है। और किंग है, किंग की वैल्यू मैंने इसके पहले में भी बताया था, वो अमूल्य है, क्योंकि किंग मर गया तो आपकी गेम खत्म हो गई। लेकिन किंग की चलन शक्ति 6.5 है, वो भी मिडिल में 8 जगह पे चल सकता है, एज वेल एज लास्ट फाइल में 1, 2, 3, 4 और 5 ही जगह पे चल सकता है, वो भी लास्ट फाइल में इसकी चलन शक्ति कम हो जाती है। चलन शक्ति से बाद हम बात करेंगे, तो दो मोरे हैं जिसमें विशिष्टता है। तो पहला है पोन। पोन सिर्फ आगे ही बढ़ता है, पीछे नहीं चल सकता है। और ये चेस की गेम के रूल्स में सबसे ज़्यादा विशेषाधिकार पोन को मिला है। पोन की स्ट्रेंथ भी सबसे ज़्यादा है, रूक 2 है, नाइट 2 है, बिशप 2 है, क्वीन 1 ही है, लेकिन पोन 8 है। एक दूसरे के सहारे अगर पोन लास्ट रैंक में पहुंच गया तो उसको प्रमोशन मिलता है। पोन अगर पहुंच गया सामने तो उसको क्वीन बनाना है तो क्वीन, रुक बनाना है तो रुक, बिशप बनाना है तो बिशप, नाइट बनाना है तो नाइट हम बना सकते हैं। तो चेस के अंदर सिर्फ पोन को ही प्रमोशन मिलता है, दूसरे किसी को प्रमोशन मिलता नहीं। और दूसरा हमारा ये नाइट है। नाइट एक तो 2.5 चलता है, और दूसरा अपने खुद के मोरे या सामने वाले ओपोनेंट के मोरे, उसको कूद के चलता है। ये दूसरा एक भी पीस अपने या ओपोनेंट के मोरे को कूद कर चल सकता नहीं। अच्छा, पोन के बारे में, पोन के अलग अलग जो प्रकार है उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आइसोलेटेड पोन, डबल पोन, डेवलप्ड पोन, पास पोन और एडवांस पोन, उसके बारे में हम हमारे स्टेप बाय स्टेप जो वीडियो आते रहेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी मैं गेम के बारे में और शुरुआत के बारे में मैं बात करूंगा। तो चेस की गेम के 3 पार्ट पड़े गए हैं। पहला है शुरुआत का तबक्का, दूसरा है मिडिल गेम या तो मिडिल का तबक्का, और तीसरा है अंतिम तबक्का। शुरुआत की 10 से 15 मूव को हम
ओपनिंग गेम या तो शुरुआत का तबक्का बोलते हैं, शुरुआत का तबक्का खत्म करने के बाद मिडल का तबक्का, बीच वाला तबक्का शुरू हो जाता है, वो एंड गेम तक चलता है। तो एंड गेम हम किसको बोलते हैं, अंतिम तबक्का, जो जिसमें एक खिलाड़ी के पास किंग क्वीन या दो तीन पोन रहते हैं, या तो किंग और दो तीन पोन रहते हैं, किंग रूक और दो चार पोन, ऐसे अलग अलग तबके रहते हैं जिसमें बाकी के सभी मोरे, सभी पोन, नाइट, रूक आमने सामने मर गए। तो शुरुआत मैं करूँगा ओपनिंग से। ओपनिंग बताने से पहले मैं एक थोड़ा चेस बोर्ड के बारे में बताऊं। तो शुरुआत हम जो करेंगे वो शुरुआत में हमारा प्लानिंग ये सेंटर पर काबू लेने का है। तो सेंटर हम किसको बोलते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सुन, ये 8x8 का है हमारा 8² x 8² तो इसमें हमारा सेंटर रहेगा ये 4 स्क्वायर, ये 1, 2, 3 और 4। जो खिलाड़ी का ये सेंटर पर काबू रहता है वो खिलाड़ी दूसरे पर हावी हो सकता है। तो हमारा मेन एम है सामने के खिलाड़ी को हराना है, उसके राजा को, सभी मोरों की कॉम्बिनेशन बनाकर उसके ऊपर हमला करना है और उसको मारना है। तो इसके लिए थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाना है, ओपनिंग ऐसी तरह करना है कि हम सामने वाले खिलाड़ी पर हावी बन सकें। तो सबसे पहले मैं ओपनिंग के लिए भी 2-3 स्टेप रहेंगे हमारे, तो उसमें मुझे क्या करना है। तो ओपनिंग के लिए सबसे पहला तबक्का है ऑफिसर्स के डेवलपमेंट। हमें शुरू की चाल ऐसी करनी है जिससे हमारे मोहरे का डेवलपमेंट हो। वो डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे पोन हो या मोहरा हो या ऑफिसर हो या पोन हो, उसका सेंटर पर काबू रहे। जैसे ये पोन चलेंगे हम तो सेंटर पर हमारा काबू रहेगा, वैसे ओपोनेंट भी वही ट्राई करेगा कि उसका भी उसके ऊपर काबू रहे। लेकिन हमें पहले क्या करना है, सबसे पहले तो हमें, फॉर एग्जांपल मैं ये चल दिया तो बाद में ये चलूंगा, क्वीन का पोन 1 स्टेप चलूंगा, D3 चलूंगा, तो ये मेरा जो बिशप F में पड़ा हुआ है उसका डेवलपमेंट रुक जाएगा, उसको मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। तो हमें शुरुआत के जो स्टेप है, ओपनिंग के जो स्टेप है, उसमें हमें ये ख्याल रखना है, सबसे पहला तबक्का है डेवलपमेंट। लेकिन डेवलपमेंट ऐसी तरह करना है कि दूसरे मोहरे के डेवलपमेंट में कोई अवरोध ना रहे, ऐसी तरह मुझे डेवलपमेंट करना है। दूसरा स्टेप है, दूसरा तबका है ओपनिंग में, या दूसरा पॉइंट है, हमें
ओपनिंग के 10-15 स्टेटमेंट बिना वजह क्वीन को बाहर निकालना नहीं है, क्योंकि अगर मैंने बिना वजह ये निकाल दिया तो सामने वाला अपना डेवलपमेंट शुरू कर देगा और मुझे क्वीन को भागना पड़ेगा। सपोज मैंने यहाँ और यहाँ रख दिया तो फिर अपना दूसरा मोरा निकालेंगे, ये चलकर इसको निकालेंगे, तो इसमें क्या हुआ, मुझे अपने क्वीन को भागना पड़ा, सामने वाले का मोरे जो है उसका डेवलपमेंट होता रहेगा। तो मेरा दूसरा पॉइंट है, क्वीन को ओपनिंग के अंदर बिना वजह क्वीन को बाहर ना निकाले। हाँ, क्वीन के साथ हमें हमला भी करना है ओपोनेंट के पास, लेकिन दूसरे मोहरों के सहकार से बिशप नाइट सभी को बाहर निकाल के टेक्टिक से हमें ओपोनेंट ऊपर हमला करना है। और तीसरा और आखिरी मुद्दा है ओपनिंग के लिए, वो है एक ही मोरा बार बार ना चलें। फॉर एग्जांपल ये वहाँ पड़ा है, मैं ये निकालूँगा तो इसको भगाने के लिए ये चलेंगे, फिर मैं इसको वापस रख दूँगा, ये दूसरा कोई चलेगा, फिर मैं इसको यहाँ निकालूँगा, फिर आगे जाऊँगा, फिर वापस रखूँगा और फिर वापस। ऐसे करने से हमारी चाल बिगड़ती है और ओपोनेंट का डेवलपमेंट बढ़ता जाता है। हम ये लेसन नंबर 2 में यहाँ विराम लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप अभी लेसन नंबर 3 हम जल्दी जल्दी दे देंगे, थोड़ा थोड़ा आप आगे बढ़ते जाइए। और एक दूसरी बात आपके पर आपके ध्यान पर लाना चाहता हूँ, आप कोई भी स्पोर्ट्स में जाएंगे, कोई भी स्पोर्ट्स खेलना चाहेंगे तो वो स्पोर्ट्स के लिए उसकी एक्सरसाइज होती है। क्रिकेट में जाएंगे तो भी ऐसी सब एक्सरसाइज करवाएंगे वो लोग, बैडमिंटन में जाएंगे तो बैडमिंटन का, टेबल टेनिस में जाएंगे तो जड़प से हाथ हिलाना है, सभी स्पोर्ट्स में कोई ना कोई एक्सरसाइज कराते रहते हैं। तो हमारे चेस है वो माइंड की गेम है, तो इसके लिए हमें माइंड के कंट्रोल के लिए, कंसंट्रेशन के लिए हमें मेडिटेशन करना है। आप सभी दर्शकों को थोड़ा ऐसा लगेगा कि हम कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, तो एक छोटा सा मैं आपको ये दिखा देता हूँ, मैं मेडिटेशन कैसे करते हैं। तो आप किधर भी बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, तो ज़मीन पर भी बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठना है आपको, और दोनों हाथ ऐसे रखें, धीरे से आंख बंद करके थोड़ा श्वास लेकर श्वास बाहर निकालते निकालते ओम चैंटिंग करना है। बस 3 टाइम ओम से आप मेडिटेशन की शुरुआत कर सकते हैं, तो 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7 टाइम्स। अच्छा, एक और बात बता दूं, अगर आप ओम बोलना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे आँख बंद करके भी
30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड 1 मिनट 5 मिनट इससे बैठ सकते हैं। लेकिन ये ओम का उच्चारण करने से आपका ध्यान, आपका मगज उसकी प्रक्रिया में जाएंगे तो आपको वो 30 मिनट्स तक आपके विचार दूसरी जगह नहीं जाएंगे और कंसंट्रेशन बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी। मेडिटेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, छोटे बच्चे भी करते हैं। तो ये आपको और आपके बच्चों को मेडिटेशन करने की रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, और यहाँ मैं विराम देता हूँ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी करना और शेयर भी करना, और हमें भी ईमेल करके या नीचे आपकी जो राय है वो मैं दिखा सकता हूँ।